जाहिर तौर पर एक तरफ जहां पूरे देश में खुशी है तो दूसरी तरफ वहीं पर सवाल भी उठ रहे हैं और सवाल उठना भी किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जहां पर संविधान के हिसाब से चीज़ें चलती है बहुत ही जायज़ भी है क्योंकि जब कानून है तो कानून के हिसाब से कानून में बदलाव करके फांसी की सजा का प्रावधान को सरकार को लाकर लाना चाहिए ना कि इस तरीके से मरवाया जाना चाहिए जो कि कहा जा रहा है मगर इस बीच में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा ने कहा कि अगर आरोपियों को कानून की उचित प्रक्रिया के तहत आरोपियों को सजा मिलती तो ज्यादा बेहतर होता ऐसे दोषियों का अंजाम यही होना चाहिए था लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत होता तो लोगों को अच्छा लगता और लोगों में एक बेहतर संदेश देता तेलंगाना में जो हुआ वो कहा गया पुलिस द्वारा कहा गया है कि ये लोग जो दोषी लोग हैं ये भागने की कोशिश कर रहे थे और एनकाउंटर में उन्हें मारा गया तो ये पुलिस का जो वर्जन है अगर ये बात है तो उन्होंने परिस्थिति देखते हुए एक्शन लिया लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हर एक इंसान जिस इस तरह के जब क्राइम होते हैं तो उसको झंझोड़ कर रख देता है समाज को झंझोड़ कर रख देता है और सबकी पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि ने ऐसा ही अंत मिलना चाहिए लेकिन ये साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो हमारा न्याय का सिस्टम है उसके तहत ये अंत होना चाहिए ना कि ऐसे हो ताकि लोगों का विश्वास हमारे सिस्टम में बना रहे